हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परविंदर आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लूसीफर शो के डबिंग आर्टिस्ट। लूसीफर शो अभी तक जिसने नहीं देखा है तो मैं उनको रेकमेंड करना चाहूंगा कि उनको ये शो जरूर देखना चाहिए। ये शो बहुत ही ज्यादा कॉमेडी भी है, बहुत ही ज्यादा सीरियस भी है, और ये शो एंजल्स, डीमंस और ह्यूमंस के ऊपर बेस्ड है। तो अभी तक जिस किसी ने भी इस शो को नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। आप इस शो को देखकर अगले सीजन को देखने का वेट नहीं कर पाएंगे, इतना अच्छा शो है ये। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जो मेन किरदार है शो के, उनके डबिंग आर्टिस्ट के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी इनके जो डबिंग आर्टिस्ट की लिस्ट है, ये शो काफी लंबा है, इसमें बहुत सारे किरदार हैं, उनके बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट हैं, उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ जो मेन किरदार है उनको ही कवर करूंगा। तो दोस्तों, आपको अब मैं और ज्यादा नहीं पकाऊंगा, तो जल्दी से हम इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस शो के स्टार यानी कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार को, जिसने आवाज दी है, उनका नाम है चैतन्य अदीप। आप इनको बालिका वधू के आनंदी के डैडी के रूप में भी जानते होंगे। आप जानते ही हैं, बेनी के स्टूडियो में हुए हादसे का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मतलब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा लोगों को एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में और पूरा पूरा रायता फैल जाएगा। और मैं भी चाहता हूँ मतलब इस केस का हिस्सा बनना। मुझे खतरों से खेलने का शौक है और ये केस परफेक्ट होगा मेरे लिए मौत के नशे को आजमाने का, एक खतरनाक और मजेदार तरीके से, और बेशक ये पता लगाने का कि उस बेचारी लड़की की मौत का जिम्मेदार कौन है। मैं जानती हूँ कि आप काफी काम आए हैं डिटेक्टिव डेकर के पिछले कुछ केसेस में, पर क्या है ना, यहाँ मौत का नशा आजमाने का काम नहीं होता। नहीं, ताज्जुब है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत आगे बढ़ना चाहती, हजारों ख्वाहिशें हैं। अच्छा हाँ, तो एक काम करते हैं, अगर तुम मुझे इस केस पर काम करने दोगी और आगे के केसेस पर भी, तो मैं वो सारे सपोर्ट तुम्हें दिलवा सकता हूँ। शामल, देखना, अब ये व्यक्ति दो मूर्तियां निकालेगा और कहेगा कि एक आपके भगवान की है और दूसरे हमारे भगवान की, फिर दोनों को पानी में डालते हुए बोलेगा कि जो भगवान तैरेगा वो आपको तैराएगा और जो डूबेगा वो आपको डुबोएगा। हाँ, पर ये बात इन अनपढ़ लोगों को समझ में नहीं आती ना, और यदि हम ऐसे झूठे धर्म को पनपने देंगे तो ये दुनिया नर्क बन जाएगी। बोला, देखा, मैं जानता तो तू अवश्य बोलेगा, चुप नहीं रह सकता ना। हाँ बेटा, हमारा धर्म सच्चा है, परंतु ये बात इन अनपढ़ लोगों को कौन समझाए। तू चुप करेगा या फिर खस खसरा उठा के मारू। लगता है तू मार खा गई मारेगा। ठहर, अभी बताता हूं तुझे मैं। ठहर, तेरी बोलती बंद करता, ठहर जा। अरे भाग कहाँ रहा है? इसके बाद डिटेक्टिव क्लोई डेकर के कैरेक्टर को आवाज दी है मालविका शिवपुरी जी ने। वाइपर के पास असली टैलेंट था, उसके छूटने का सुनते ही तुमने सोचा इससे पहले मुकाबला भारी पड़े तुम उस पर भारी पड़ जाओ। उसे फंसाने का प्लान बनाया ताकि नियम तोड़ने की वजह से वो फिर जेल चला जाए। पॉला कॉटेज की मौत हुई तो तुम्हें प्लान बदलना पड़ा है। तुमसे मिलने पर तुम्हारा मरीन टैटू देखा था एक्टर, एक दिल पर टारगेट का निशान, स्नाइपर यूनिट, दुनिया का बेस्ट निशानेबाज। तुम्हें पता है भीड़ में गोली चलाना कानूनन जुर्म है। तुम पॉला के खून के जिम्मेदार हो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खुद पता लगाना चाह रहा हूँ, हमारा नाम खराब हो रहा है। और इस धंधे के बारे में किसे पता है? तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसके पास ये है, लेकिन इस बंदे के पास नहीं है, तो अगर मैं चली गई तो ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हमें जल्दी से बता दो कि असली चोर कौन है। ओके, हाय, तुम नई आई हो है ना? ओह हे, हाँ, एला लोपेज, कुछ दिन पहले मेरा ट्रांसफर हुआ है। तुम जरूर डिटेक्टिव डेकर के सिविलियन कंसल्टेंट हो। लूसिफर मॉर्निंग स्टार। कूल, मुझे लगा था तुम शायद भड़क जाओगी क्योंकि तुमने क्रॉस पहना हुआ है ना। आ डूड, मेरे एक दोस्त का नाम एडोल्फ था। ओके, एडोल्फ, मैं उस पर कभी नहीं भड़की। और वैसे भी मुझे लगता है डेविल बेकार ही बदनाम है। अच्छा, सच में? बिल्कुल, मतलब उसने आखिर ऐसे क्या गुनाह कर दिया? क्या डैड के खिलाफ चला गया? एक नंगी मोहतरमा से पूछा एप्पल खाओगी क्या? दिल जीत लिया तुमने, आगे बोलती रहो। शायद हेल की देख रेख करता है, वो कोई महान काम नहीं है, टॉर्चर और अनंत काल तक किसी को सजा देना। मैं रिटायर हो गया, वैसे भी हेल मैंने नहीं बनाया, सिर्फ वहाँ काम करता था।
और अब तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि एक मिनट, क्या तुम डेविड हो? एक मेथड एक्टर हो क्या? इसके बाद लूसीफर के थेरेपिस्ट लिंडा मार्टिन लूथर के कैरेक्टर को आवाज दी है नेशमा चेंबूरकर जी ने। तुम्हें ये डर नहीं कि तुम क्लोई पर हक नहीं जता सकते, तुम डरते हो कि क्लोई तुम पर हक जताती है, लेकिन दोनों बातें भी सच नहीं है। नहीं नहीं, लोग हम पर हक नहीं जताते, हम उन्हें ये हक देते हैं। तुम्हें अपना हक वापस लेना होगा। ठीक है, आगे बोलो। तुम कहते हो वो खास नहीं है, पर मुझे लगता है तुम उसे बहुत ही स्पेशल मानते हो। तुम्हें उसे पूरी तरह से जानना होगा, तिल से लेकर डिम्पल तक। मुझे यकीन है तिल तो होंगे ही। तो बेपर्दा कर दो उसे, ताकि वो भी तुम्हारी बराबरी में आ जाए। हे स्वीटहार्ट, तुम्हें याद है हमारी एक बात हुई थी जब मैंने कहा था झूठ बोलना बुरी बात है? गुड, तुम्हारा बर्थडे केक गायब है। अब मैंने नहीं खाया, तुम्हारी मॉम ने भी नहीं खाया, तो तुम जानती हो किसने खाया? मैंने खाया। हम आपकी बेटी के पैरेंट्स को। ये गैंग्स का मामला हो सकता है, इसलिए पता लगाना जरूरी है कि बेनी चॉय को कौन मारना चाहता था। उसने कुछ कहा? हमारे पहुंचते ही उसने मौन व्रत रख लिया। देखो, इसमें खतरा है, मुझे लगता है तुम्हें इस केस से दूर रहना चाहिए। और सिर्फ छोटे मोटे मर्डर सुलझाने चाहिए। आजकल तुम्हारा हर केस शूट आउट में सॉल्व हो रहा है, और तुम्हारा दोस्त लूसिफर हमेशा तुम्हारे साथ होता है। मैं भीड़ में खो जाने से डरता हूँ, मैं हमेशा भीड़ का हिस्सा बनने से डरता हूँ, इसीलिए मैंने कई सारे चुटकुले याद कर लिए हैं, जोक्स हमेशा लगातार सबके सामने सुनाता रहता हूं। लाल, हरी, पीली, नीली शर्ट्स पहनता हूं, रोज शेव करता हूं। जब भी घबराता हूं तो बाथरूम चला जाता हूं। रोज दो अलग अलग किस्म के अखबार घर से याद करके निकलता हूं। वैसे ज्यादा चीजें पता नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी भी विषय पर लगातार एक घंटे तक बोल सकता हूं। और हां, मैं पीला स्कूटर चलाता हूं। मंजिल का पता नहीं, पर फिर भी स्कूटर को आगे बढ़ाता जाता हूं। सफर तो तय करता हूं, पर कहीं पहुंच नहीं पाता। इसके बाद लूसीफर के भाई अमेनाडील के कैरेक्टर को आवाज दी है मिस्टर मोहक निनाद जी ने। पेशेंट्स की गलत फहमी काम में मुश्किलें लाती हैं। दरअसल वो काफी चार्मिंग है। हाँ, पर शैतान भी कभी कभी एंजल ऑफ द लाइट के भेस में आता है। दूसरी किताब 11वां अध्याय श्लोक 14। 2 साल चर्च वाले स्कूल में था, फिर तय किया कि मुझे लोगों की किसी और तरीके से हेल्प करनी है। इंटरेस्टिंग, मैं जानती थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो। सुनो, उस दिन तुमने मेरी पेशेंट को लेकर हेल्प की, और मैं वो एहसान उतारना चाहता हूँ। मुझे बाइबल जुबानी याद है, तो तुम्हें अगर किसी चीज की हेल्प चाहिए मुझे बता देना। इस तरह या उस तरह मेज, मैं तुम्हारा इरादा बदल दूंगा, तो तुम लूसीफर को हेल्प पहुंचाने में मेरी मदद करोगे। दर्द को दावत मत दो। भूल गए, दर्द से पुराना रिश्ता है। इसके बाद चुलबुली और प्यारी ट्रिक्सी एस्पिनोजा के कैरेक्टर को आवाज दी है नव्या गुप्ते जी ने। तो तुम्हें क्या काम है लूसीफर से? वो मुझे हंसाता है, लोग मेरे लिए लड़ते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन लोग? पहले मॉम और डैड बहुत लड़ते थे, लेकिन आज तो मॉम और नानी मेरे लुक को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। और दोनों में से कौन तुम्हें ब्यूटी क्वीन बनाना चाहता है? ये तो मेरी ग्रैंडमा ने किया है। वो लोग ये लेकर झगड़ रहे कि मुझे बनना क्या चाहिए। तुम्हें क्या बनना है? मुझे मार्स की फर्स्ट प्रेसिडेंट बनना है, या एक जू कीपर। मैं भी जू कीपर हुआ करती थी एक तरह से। सच में ये तो कितना कूल है। कहीं जा नहीं सकती। जा सकती हूँ, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी, समझे? और तुम्हारे पास बात करने के लिए भी कोई नहीं है, है ना? ऐसा वो ही एंजल बोल रहा है जो यहाँ अकेले डिनर कर रहा है। सही कहा ना? क्या हुआ, तुम कौन सा ये ड्रिंक पीने वाले थे? बोरिंग कहीं के? मैं दरअसल बोरिंग नहीं हूँ, मैं एक्साइटिंग हूँ। मेरे लिए एक्साइटमेंट का मतलब है मजा,
खतरा, सेक्स, इस पल में जीना, तुमने इनमें से कुछ नहीं किया। बस इतना ही, मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में कि आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा, तो मैं आपको अगली बार मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ।